अब पूरी मूवी में बस यही खोजने की कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे आखिर इस मूवी में देखना क्या है, डांस देखना है या फिर डांस में या फिर कुछ अलग वैरायटी है वो देखनी है। फिलहाल मुझे तो इस टाइप के डांस पसंद नहीं, पसंद तो दूर की मुझे समझ ही नहीं आते तो पसंद कहाँ से आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीट डांसर 3 की, जिसे डायरेक्ट किया रेमो डी सूजा ने और जिसके अंदर कास्ट है बहुत लंबी लिस्ट है इसके अंदर तो कास्ट की, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, नोरा फतेह, अपारशक्ति खुराना, पुनीत पाठक, वरुण शर्मा और भी अनेक कलाकार हैं, धर्मेश जो डांस इंडिया डांस में शायद ऐसे कुछ एक शो था रियलिटी शो उसमें आए थे उन, तो वहाँ मुझे को मुझे का आइडिया नहीं है, वो भी इस मूवी के अंदर है। एक चीज़ तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मुझे डांस पसंद नहीं है, मतलब इस टाइप के जो ये जो इस मूवी में थे वो मुझे इतने पसंद नहीं आते, पसंद नहीं मुझे समझ नहीं आते, इसलिए तो मेरी पसंद वहाँ जाती नहीं है। हाँ खुल के नाचने वाले यार वो चीज़ें मेरे लिए, भंगड़ा उंगड़ा ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, मेरे टाइप की तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तो एक नेगेटिव व्यू तो मेरी तरफ से जाते जाते हैं। खैर बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनको डांस पसंद होता है उनके लिए तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो फिलहाल अभी ये नेगेटिव में। खैर डांस हटा देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि भी हाँ इसके अंदर डांस के साथ कोई ना कोई तो स्टोरी होगी ना, हाँ उसी स्टोरी की हम बात करने वाले। देखो बॉलीवुड तो ना अपना बड़ा ही अलग ही है, डिफरेंट है, न्यारा ही है, उसने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, कुछ ना कुछ तो क्या वही घिसी पिटी चीज़ें ही करनी होती हैं और कुछ तो इसके पास आइडिया है नहीं। तो लोग इसी बारे में बात करते हैं, क्या होता है कि भाई भारत हमारे देश के पता है कि भाई पड़ोसी देश के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो भाई बॉलीवुड ने ठेका उठा लिया, बॉलीवुड सोचा कि यार मैं उठाता हूँ, मैं रिश्ते सही करता हूँ, तो भाई मैं पड़ोसी देश की एक टीम उठा लेता हूँ, अपने ही देश की एक टीम उठा लेते हैं, दोनों को नचा देते हैं और हम दिखा देंगे हम एकता में हैं, बस ये वाली जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने चला दिया इस मूवी के अंदर। भारत की जनता तो है ही पागल, वो देखेगी, दूसरी भाई पड़ोसी की देश, पड़ोसी देश की जो जनता है उसको भी पूरी तरह से पागल बना रहे हैं। बॉलीवुड इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर उनके पास अच्छा सा कॉन्सेप्ट हो ना तो उसके अच्छे से अच्छे बजाते कैसे, तो भाई इस चीज़ में तो बॉलीवुड ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। इस मूवी की कहानी है, एक डांस ग्रुप है पाकिस्तान से, एक डांस ग्रुप है भारत से, एक कंपटीशन होगा जिसका नाम है ग्राउंड जीरो, दोनों उस टीम दोनों ये जो टीम है एक टीम बन के इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगी और कैसे जीतेगा कौन, अरे भाई यही टीम जीतेगी और तो जीतने से रहा, ठीक है। तो ये इस मूवी की कहानी है। अब वो रुपए जीतते हैं, वो इलीगल इमाइग्रेंट का मतलब उसमें मदद करते हैं उनको अपने अपने देश भेजने के, ये सोशल मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। फिलहाल जो एक लास्ट में जो इस मूवी के अंदर लास्ट में दिखाया जाता है कि ये एक ऑलरेडी जो है वह लंदन में एक स्वेट नाम से जो है वो कार्यरत हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये उनसे इंस्पायर थे। तो मैंने कहा ना एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट अगर दो तो बॉलीवुड उसकी अच्छे से बजा डालता है, वो इन्होंने अच्छे से कर लिया इस मूवी में। क्या क्या देखना पड़ता है यार मूवी रिव्यू के लिए यार, क्यों यार इतना टॉर्चर क्यों सहना पड़ता है भैया। मूवी को सेक्युलर पूरी तरह से रखा गया है, अब सेक्युलर कैसे रखा गया उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। श्रद्धा कपूर जो पाकिस्तान से है जिसका मूवी में नाम है इनायत इनायत ऐसे कुछ करके नाम है, तो उसके घर वाले भैया बड़े ही कंजर्वेटिव सोच के, बड़ी छोटी सोच के, वो अपनी लड़की को बाहर डांस करने से मना करते हैं, तो श्रद्धा छुप छुपा के उनसे डांस करती है, उनको पता नहीं होता। फिर एक टाइम आता है वो कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा ले रखा होता है, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने, इनकी टीम ने दोनों नहीं, वरुण धवन जो है वो इंडिया की टीम से है, नाम बड़ा ही अजीब सहज वहज ऐसा कुछ रख डालते हैं। तो क्या होता है कि लास्ट में पता चल जाता है कि श्रद्धा कपूर के घर वालों को कि भी हाँ इसने डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रखा है, तो भाई उनके माँ बाप उसे रोक लेते हैं कि भाई हम अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देंगे, तो भाई हमारा वरुण धवन जाता है बाहर बात करने की भी, मैं चलता हूँ मैं करूँगा उनको इम्प्रेस, तो वरुण धवन चल जाते हैं भैया कि वो इम्प्रेस करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होता है कि आप किसी के घर जाते हो तो आप बड़े ही अपनी जो भी आपके संस्कार है उसके अकॉर्डिंग आपको आप उनको नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो। तो एक क्या एक इसमें जो एक जो सीन आया कि वरुण धवन जब श्रद्धा कपूर के घर जाता है तो वरुण धवन भाई हाथ जोड़ता है स्टार्टिंग में, हाथ जोड़ के इनको नमस्ते ही करने वाला, तो फिर याद आता ओहो ये तो मुस्लिम है यार, ये हाथ नहीं जोड़ना यहाँ पे, यहाँ पे तो ऐसे हमें सलाम वालेकुम करना पड़ेगा। तो ये बड़ी ही चीज़ मुझे को
अटपटी सी लगी, मगर मतलब कि अगर आपको सम्मान ही करना है तो ये कहीं नहीं है कि आप जो उनका सम्मान है वो हाथ जोड़ के नहीं कर सकते हो, ऐसे अगर दूसरी कम्युनिटी है तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें करना पड़ेगा। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट वो चक के लेके आ रहे हैं यार, ये थोड़ा सा समझाओ यार, ऐसी अटपटी चीज़ें, ऐसी अटपटे सी चीज़ें कहाँ से लेके आते हैं यार। इनका दिमाग क्रिएटिविटी में नहीं चलेगा, इनका दिमाग यहीं चलेगा भाई, हाथ नहीं जोड़ने, दूसरी कम्युनिटी है तो वही वहाँ ये वाली हरकतें आपको करनी है। देखो मैं किसी हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस मुझे ये देख के सीन हंसी आ गई, मतलब क्या दिखा रहे हो यार, गुड़ गोबर दिखा रहे हो गया तुम लोग, क्या थोड़ा सा सोच समझ के तो दिखाओ ना, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम हाथ नहीं जोड़ोगे अगर दूसरी कम्युनिटी के तो घर जा रहे हो तो, नहीं भैया उनके अकॉर्डिंग, अरे यार तुम्हें सत्कार करना है, किसी का सम्मान करना है, वो तो आप अपनी भाषा से कर ही सकते हो, जरूरी नहीं कि जो सी उनकी कम्युनिटी जो है वो वैसे ही करके, एक तरीके से तो वहाँ मुझे लगता है कि आप वो ढोंग कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप अगर आप किसी का सम्मान करते हो, वो हाथ जोड़ के करते हो, तो वो मुझे लगता है वो रियल है कि आपने अपने ही अकॉर्डिंग उस चीज़ को किया। अगर आप किसी की दूसरी कम्युनिटी के पास जाते हो, वहाँ कुछ और तरीके से सम्मान किया जाता है, किसी और चीज़ को नमस्कार किया जाता है, तो उस आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दिखावटीपन है, वो ढोंग वहाँ किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा उसमें लगा यार इस मूवी में। लास्ट में भैया वरुण भैया अपने तो एक स्पीच पूछ लिख के लेके आते हैं, बड़ी तगड़ी वाली स्पीच होती है, वो श्रद्धा कपूर के घर वालों को सुना डालते हैं कि भैया आपकी लड़की ये कर रही है, आपकी लड़की वो कर रही, आपको गर्व होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना धमकाना सब कुछ चेप देता है इंसान। और गैस वट मतलब भैया वो इम्प्रेस हो गए, इम्प्रेस होना ही था क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था कि भैया उनको इम्प्रेस होना है, भले ही कैसी घिसी पिटी स्क्रिप्ट इंसान ने बोल ली हो सामने से, भैया उनको इम्प्रेस होना ही है। फिर लास्ट में वही यार, ओहो बेटा कब आपका फाइनल, हम भी आएंगे आपके फाइनल को देखने। अरे यार कुछ तो क्रिएटिव दिखा दो ना यार, कुछ तो ढंग का दिखा दो, कुछ देख के हाजम हो जाए यार। और गाने की बात कर लेते हैं भैया, पहले तो एक एक चकता था, अब तो दो दो चकने लग गई है इंसान, लाहौर दिया और एक ये खिंच खिंच के ऐसा कुछ है, वो दोनों ही सॉन्ग जो है वो पंजाबी हैं, वो बहुत पहले आ चुके थे पंजाबी सॉन्ग, वो भैया इनके पास तो दिमाग है नहीं बॉलीवुड वालों के पास, तो क्या करेंगे, जनता को कौन सा पता यार, ऐसे कोई गाने होते थे भाई, खरीद लेते हैं गानों को मूवी में डाल देते हैं, मेहनत कौन करे, नए बनाए, नई क्रिएटिविटी लेके आए भाई, नहीं ये चीज़ें नहीं होती, हम तो वो ये ढोंगपन जो चल रहा है ना उसको करने में अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ के नहीं करना, दूसरी कम्युनिटी है तो वैसे कर रहे हैं, ये ढोंग जो वो दिखा रहे हैं ना वो उसी में अपना दिमाग लगाएंगे। अबे मुझे नहीं करना T2 यार इस मूवी का रिव्यू, रिव्यू कहाँ कहाँ से कचरा मूवी देख के आते हो यार। मैं मुझे इस मूवी में सिर्फ एक ही सीन अच्छा लगा, अपार शक्ति खुराना और उनकी माँ का जो एक लास्ट में वो जो मिलते हैं, तो वो मुझे काफ़ी भावुक कर गया वो सीन, बस एक छोटा सा सीन था, कुछ एक सेकंड का था वो सीन, मुझे वाकई में अच्छा लगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सीन मुझे अच्छा लगा तो पूरी मूवी अच्छी होगी, ना 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 ना, पूरी मूवी अच्छी नहीं है भैया, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ उस सीन को मैं 2.5 स्टार ही दूंगा। बाकी भैया मैंने तो टाइम ख़राब किया ना, वो पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीज़ें चल रही थी स्क्रीन के ऊपर, 3D में और बना रखी है, सर घूम जाता है यार कसम से। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 2.5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने नहीं देखी मूवी तो भैया कोई कोई बड़ी चीज़ आपने मिस नहीं कर दी है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आ ही जाएगी, देख लेना बाद में वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।